बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। उत्तरकांड दोहा 44 तुलसीदास जी। बड़े सौभाग्य से जीवों को मनुष्य का शरीर मिलता है, यह शरीर पाना देवों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता भगवत प्रेम की प्राप्ति श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म भी कर ही नहीं सकता, कारण कि देवता एक भोग योनि का शरीर है। आप लोग ही अनेकों पुण्य करके अनेक बार इंद्र वरुण कुबेर बने, जैसे हरिश्चंद्र राजा बलि आदि, और फिर पुण्य सब समाप्त हो गया स्वर्ग के सुख को भोगने के बाद, तो फिर से पृथ्वी पर पटक दिए गए कुत्ता बिल्ली गधा आदि के योनि में। देवताओं का शरीर सूक्ष्म शरीर है, और केवल मनुष्य के शरीर में ही यह गुण है कि वो कर्म करके भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर लें। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जो मनुष्य भक्ति नहीं करें, भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करें, उसे अंत में पछताना पड़ता है। जब मनुष्य का शरीर जीव से छिन जाता है मृत्यु के समय, तब जीव के पास अपना सिर धुन धुन कर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। इसलिए यह आश्चर्य है कि कोई मनुष्य समय को दोष लगाता है तो कोई भाग्य को, यहाँ तक कि कोई ईश्वर पर दोष लगाने से भी नहीं चुकता। मनुष्य और जानवर दोनों में चार गुण समान है। भर्तृहरि ने जो चार गुण क्या बतलाए हैं, वो है खाना खाना, सोना, डर और भोग विलास करना यानी मैथुन। यह मनुष्य में भी है और मनुष्यतर जीव यानी पशु पक्षियों में भी है, पर मेरे अनुसार तो मनुष्य का शरीर जानवर के शरीर से भी निकृष्ट है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से दुर्गंध निकलता है, किंतु मृग के शरीर से खुशबू उसके नाभि में कस्तूरी होता है, जो बहुत कमाल का है। उसके मरने के बाद उसके चमड़े का भी उपयोग होता है, उसके हड्डी आदि का भी, उसके सिंग हिरण का सिंग आदि का इस्तेमाल लोग करते हैं। न बहुत से पक्षी है जिनका शरीर बहुत खूबसूरत है, हम कहते हैं ना कि मोर जैसी चाल, गर्दन रंग, कोयल की आवाज बहुत मीठी है, तो जानवरों का रंग, चमड़ा, हड्डी, सिंग, दांत आदि सब काम में आ जाते हैं। नंबर दो, पशु पक्षी समय पर सोते हैं, समय पर जागते हैं, समय पर संभोग, जितना जरूरी है उतना ही खाना खाना, लेकिन मनुष्य को देख लीजिए, खाना पीना सोना उठना सब में लापरवाही अस्तुत। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं रहता, जीवित अवस्था में भी हर समय बदबूदार पसीना आदि, फिर भी मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है और अति दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है यह मानव देह, क्योंकि इसी शरीर से भक्ति करके साधना करके भगवान को भी भक्त लोग अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। अभक्त पराधीन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान भक्त इशारे पर नाचते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं ताकि उसका चरणधूलि उनके मस्तक पर पड़े। इतना कमाल है मानव देह में, वो भगवत प्राप्त करके भगवान को भी अपने मुट्ठी में रखता है। आपने सुना होगा गोपियों को, वो भगवान को छाछ के लिए नचाती थी, मनसुख सुदामा उनको घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठकर लात से मारते थे और भगवान भाव विभोर हो रहे हैं। तो मनुष्य का शरीर ज्ञान प्रधान विवेक प्रधान है, संसार में अनेकों वैज्ञानिक हुआ है, अब लोग जानते हैं, जो तरह तरह का शोध आदि करके अनेकों आविष्कार किए हैं, उदाहरण आज सभी के हाथ मोबाइल फोन, कलर टीवी है, बड़ा बड़ा हवाई जहाज, बड़े बड़े रॉकेट बना लिया, चंद्रमा पर चला जाता है मनुष्य, और यहाँ तक कि निष्काम भक्ति करके भगवान को भी बस में कर लेता है मनुष्य।
इसलिए मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। और यह मानव तन कभी कभी मिलता है। भगवान दया करके, कृपा करके किसी जीव को मनुष्य तन दे देते हैं। कभुक करी करुणा नरदेही। पर जब मानुष तन एक दिन छीन जाता है, तब दुख पाता है, जीव अफसोस करता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, और अपना दोष न समझकर वह उल्टे काल पर, कर्म पर या ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तो काल को दोष यानी समय होगा, तो खुद हो जाएगा भक्ति, भगवान करा लेंगे। कर्मफल यानी भाग्य को दोष और ईश्वर पर दोष लगाना कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इन तीनों पर दोष लगाने वाला महान मूर्ख है, वह कृतघ्न, निंदनीय और मंदमती है। अपने दोष या दुर्भाग्य को काल की समय बुरा है, कर्म की पिछले जन्म का कर्मफल है, या ईश्वर की भगवान ने यह मुझसे बुरा काम करवाया है, पर लगाना बहुत बड़ी नासमझी है। ऐसे भ्रम में रहकर अकर्मण्य बने रहना अपने ही नाश का मार्ग है। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।